हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरे यूट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। इससे मिलने वाले हैं तो बहुत अच्छा कलाकार है और गाना भी गाएंगे। आप उनसे मिलवाएंगे, उनसे के साथ आपका परिचय करवाएंगे। तो आइए चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका नाम क्या है। तो गाइस चलते हैं इनके पास, इनसे बात करते हैं और कुछ सुनेंगे, इनसे गाना वाना सुनेंगे, कैसे आवाज़ है इनकी, कैसे गाते हैं। चलिए मिलते हैं इनसे। आपका नाम? दयानंद सिंह। दयानंद सिंह, थोड़ा सा गा के सुनाओ। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तो हेलो गाइस, आपने देखा, आपको हमने उनसे मिलाया दयानंद जी से। तो कितनी सुरीली आवाज़, कितना बढ़िया गाया उन्होंने गाना। और भी एक आध गाना आपको हम सुनवाते हैं, सुनिए और इनसे मालूम करते हैं। और तो दयानंद जी, तो आपने ये गाना गाया तो जो हम इनके लिए एक गाना और। प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, पल का जीवन से उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। तो देखिए, आपके सामने एक गाना और गाया कि कितनी सुरीली आवाज़, कितनी अच्छी आवाज़ में गाना गाया है। और तुमने जो गाया, तो आपने किसी से कॉन्टेक्ट या किसी से आपने परिचय नहीं करा अपना? नहीं, मुझे गाने का शौक़ है, ऐसा मैंने किसी से कभी कुछ नहीं कहा। बस मुझे लगन है गाने की, मैं गाता हूँ, गाने गाने का मुझे शौक़ है और पहले से ही गाता हूँ, बचपन से ही मुझे शौक़ है गाने गाने का। अच्छा, बचपन से ही शौक़ है गाने गाने का जी। तो फिर आपने और किसी के साथ कोई इंटरव्यू या किसी से कुछ कॉन्टेक्ट नहीं किया? कभी कुछ कहा ही नहीं, किसी से कहीं पर गया भी नहीं। एक जगह गया भी था, फिर वहाँ पे दोबारा गया नहीं। उन्होंने बुलाया भी था, स्टूडियो में गया था। अच्छा। गाना गाने के लिए, मगर गया नहीं वहाँ पे। तो कौन सी स्टूडियो में गए थे, कहाँ पे गए थे? यहाँ पे गया था, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड में कोटद्वार। तो दयानंद जी, जैसे आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो तुम्हें कैसा फील हो रहा? बहुत अच्छा है, जैसे मैं गाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी आवाज़ सुने, जैसा भी गाता हूँ मैं। तो अच्छा लग रहा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा। तो गाइस बोल रहे हैं कि इन्हें अच्छा लग रहा है, कि जैसे आप अब सारे गाइस तो आपको देख रहे हैं, पूरे यूट्यूबर देख रहे हैं, जैसे आप हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो आप कोई इंडस्ट्री या कुछ आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। और मैं बस अपने आप में ही गुनगुनाता था, और धीरे धीरे मुझे लगन तो काफ़ी समय से है, और मैं ऐसे ही गाता चला रहा। मैंने कभी कहीं पर कोई कुछ नहीं कहा कि मैं जैसे कहीं गाना गाना जाऊँ या कोई मुझे बुलाए, ऐसा मुझे कुछ नहीं। अगर हाँ, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो ज़रूर गाऊँगा। तो आपके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है, जैसे आवाज़ भी अच्छी है, ऐसी बात नहीं कि अच्छी आवाज़ नहीं लग रही है, आपकी अच्छी आवाज़ लग रही है, और भी अच्छी, अगर आप चाहे तो और भी अच्छे कर सकते हो। तो हाँ, गाने का मौका अगर मिलेगा तो ज़रूर गाऊंगा। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, कोई बुलाए तो तब भी जा सकता हूँ, और गा भी सकता हूँ, गाना गाता हूँ, हमेशा ही गा रहा है, और गाने का ही मुझे शौक़ है, गाऊंगा ही, गाता ही रहूँगा मैं तो। चलो, बड़ी अच्छी बात है कि आपको ऐसा मौका मिले। तो गाइस, जैसा आप लोगों ने देखा है कि गांव के ऐसे लड़के बहुत काफ़ी है जिनके अंदर टैलेंट भरा हुआ है, मगर कोई नहीं पहचान सकता, ना कोई जानता, ना कोई देखता, मगर ये है बस, उनकी किस्मत साथ नहीं देती।
तो गाइस जैसा अपना आपने देखा तो हमने इनसे बात करी तो बहुत अच्छा लगा मिलकर इनसे, क्योंकि इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, बहुत सुरीली है। अब वीडियो बनाने जा रहे थे अपने गांव की धरती पे, तो ये मिल गया दयानंद जी, तो ये इन्होंने इनकी आवाज़ सुनी तो मैंने सो तक पहुँचा सकूँ। जय हिंद, जय भारत।